नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत स्कूली बच्चों को किया जागरूक। स्कूली बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता के बारे में दी गई जानकारी। समाज सेवी द्वारा बच्चों को बांटे गए गुब्बारे और टॉफी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आज पूर्व माध्यमिक विद्यालय चमरुआ विकास खंड जैतपुर बेलाताल शिक्षण संस्थान में बुंदेलखंड के कर्मियों की समाज सेवी संतोष गंगेले द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बच्चों को उत्तम जानकारी दी गई। शिक्षक हेमंत सिंह राजपूत ने बताया कि समाज सेवी संतोष गंगोले कर्मयोगी समाज के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उनकी समाज सेवा की सराहना की जा रही है। महोबा से अनूप सिंह की रिपोर्ट। आपका आदरणीय नाम क्या है? काशी जी, आप जे कौन सी प्राथमिकशाला है? आज हमारी संस्था में जो है गंगेली जी आए हैं और ये एक बहुत महान पुरुष हैं और बच्चियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन में अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाकर अलग जगा रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय परिवार की ओर से उनका मैं आभारी हूँ। मैं संतोष गंगेले कर्मयोगी आज पूर्व माध्यमिक विद्यालय चमरुआ विकासखंड जैतपुर में आया हूँ। यहाँ पर बच्चों को नैतिक शिक्षा, संस्कार, नशा मुक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत पर विचार रखे। यहाँ के बच्चे बहुत ही पढ़े लिखे समझदार हैं। सबसे अच्छा बात यहाँ के बच्चों को सामान्य ज्ञान है और यहाँ के जो टीचर हैं वो लगन से काम करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से चाहूँगा कि इस शिक्षण संस्थान में और जो सुविधाएँ की कमी हैं, पानी वगैरह की हम देख रहे हैं, वो पूरी कराई जावें और बच्चों को यहाँ के उच्च शिक्षा के लिए सुविधा दें। और पास में यहाँ पर हाई स्कूल आसपास कहीं नहीं है। इस क्षेत्र में हमने देखा है हाई स्कूल नहीं है, तो इसलिए धौरला हाई स्कूल किया जाए या खमा, इसमें हमारा खमा हाई स्कूल हो जाएगा राजकीय हाई स्कूल खुलने से। आसपास के लगभग 20 ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे एक साथ हो सकते हैं। अभी यहाँ का हाई स्कूल इंद्राटा में है, इंद्राटा अजनर है, तो इंद्राटा बहुत दूर पड़ता है, इसलिए यहाँ बच्चे MP में जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि हाई स्कूल आसपास हो तो यहाँ बच्चे और शिक्षित हो आगे बढ़ सकते हैं। जय भारत। मैं सभी को